नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट 3 मंथ का करेंट अफेयर्स का वीडियो टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने अपडेट किए हैं आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने हाल ही में किस पार्टी को ज्वाइन किया है? तो सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने हाल ही में शिवसेना को ज्वाइन किया है। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को टॉप स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे अनुवाद दिवस 30 सितंबर को हर साल मनाते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में 4th गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेजर प्राइस इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में 4th गोल्ड मेडल जीता है। दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की गई है? तो वैष्णो देवी तक। तो दिल्ली से वैष्णो देवी तक जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है शुरू की गई है। महात्मा गांधी की जयंती पर किस देश में डाक टिकट प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी की जयंती पर फ्रांस ने डाक टिकट आरंभ किया। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने एक विलुप्त पुरातन नदी को खोजा है? तो प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम को मिलाने वाली इस नदी को खोजा गया है। किस रेलवे स्टेशन को देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन को देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। MS मल्लिकार्जुन राव को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक का MSS मल्लिकार्जुन राव को MD और CEO नियुक्त किया गया है। हजा अल मंसूरी किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सकुशल वापस लौटे हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं जो 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सकुशल वापस लौटे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ है? तो मुंबई में ये भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे जहरीला कवक किस देश में पहली बार देखा गया है? तो जापान और जापान के नज़दीकी देशों में दिखने वाला ये कवक ऑस्ट्रेलिया में पहली बार देखा गया है। भारत में पहली बार किस क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो रोहित शर्मा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। विश्व पर्यावास दिवस प्रत्येक साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावास दिवस प्रत्येक साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय अब 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साल 2018 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओल्गा तोकारजुक को साल 2018 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है।
नोबल शांति पुरस्कार 2019 किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा हुई है? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबल का शांति पुरस्कार 2019 का देने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिल्खा सिंह को इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युदंड विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मृत्युदंड विरोधी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस की ये कंपनी है जिसने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। किस भारतीय नन को संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मरियम थ्रेसिया भारतीय नन है जिन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे पहले मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब 2019 जीता? तो लक्ष्य सेन ने डच ओपन बैडमिंटन खिताब 2019 को जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो अभिजीत बनर्जी के लिए, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। किसे हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैस सैयद को हाल ही में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। विश्व मानक दिवस 2019 कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2019 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाली भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान बन गई हैं? तो मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला टीम की कप्तान बन गई हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102 नंबर का स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्गरेट एडवर्ड को बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई के किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल मुंबई के ओपनर हैं और 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को हर साल विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉल खिलाड़ी को इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब मिला? तो लियोनेल मेसी को फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने छात्राओं को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है? तो विज्ञान ज्योति योजना को स्टेम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्राओं के लिए ये विज्ञान ज्योति योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कर्नाटक राज्य पहले नंबर पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो दिल्ली के लिए पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो चंडी प्रसाद भट्ट, इनके लिए पर्यावरणविद हैं ये, इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को, कितने पर्यावरण चेंज मेकर्स को यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 और यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 पर्यावरण चेंज मेकर्स को ये अवार्ड दिया जा रहा है। 50 क्वेश्चन हो गए, अब हम फिर से एक से शुरू करते हैं। नए क्वेश्चन है, नंबरिंग 51 होनी चाहिए लेकिन 50 के बाद फिर से एक हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस नाम से पुस्तक लॉन्च की गई है? तो लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये पुस्तक का नाम है जो एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयन बैटरी का निर्माण किया है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयन बैटरी का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो रवीश कुमार के लिए पत्रकार हैं जो 2019 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो मेघालय राज्य में 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना शुरू करने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसमें हर अगर सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु जो होते हैं उनको आप अपने घर पर लाके पालते हैं तो एक गाय के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक महीने का 900 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने 9 साल की लड़की एलंग बाम वेलेंटीना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की इस लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पेड़ों की कटाई को देखकर ये रो रही थी और इसको रोता हुआ देखकर जो वीडियो बनाया वो वीडियो वायरल हुआ और पेड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति इसकी सद्भावना को देखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट में डंपिंग यानी कि नॉर्मल ओपन एरिया में आप कचरा फेंक रहे हैं और दहन ओपन एरिया में चीज़ों को जला रहे हैं ये है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो अब 33 जजों को संख्या कर दिया, चीफ जस्टिस प्लस 33 जज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो विराट कोहली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम कितने साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है? तो 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक देश बन गया है? तो स्क्रैप आयातक देश भारत बन गया है दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उस ग्रह का नाम है GJ357D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर कितने करने की अनुमति दी है? तो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर 32 करने की बात कही है। फोर्ब्स पत्रिका की खेलों में सबसे अधिक भुगतान करने वाली महिलाओं की सूची में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सेरेना विलियम्स ने फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार खेलों में सबसे अधिक भुगतान करने वाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कौशल
विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को कितने लाख अमेरिकी डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को 5 लाख अमेरिकी डॉलर मदद देने की भारत ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मी तथा अब इंग्लैंड में बस चुकी किस युवती को मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया? तो भाषा मुखर्जी को, भारतीय मूल की हैं और अब इंग्लैंड में रहती हैं, इनके लिए मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया? तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 संगीतकार हैं, इनको ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो चंद्रिमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एलंग बाम वैलेंटीना देवी उस बच्ची का नाम है जो 9 साल की है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त को वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 453 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त से पहले वतन नामक देशभक्ति गीत को रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ नगर ऐप स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के साथ साथ इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप अपने घर के आसपास अगर कोई गंदगी फैली होती है तो आप सीधे निगम पर उसकी शिकायत करते हुए उसको उठवाने के लिए कहें तो गाड़ी या फिर जो भी सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने पुरुष संरक्षक की अनुमति के बिना महिलाओं को यात्रा की इजाज़त दे दी है? तो सऊदी अरब ने ये इजाज़त दे दी है। पहले सऊदी अरब में महिलाएं बिना पुरुष संरक्षक के कहीं भी नहीं जा सकती थीं, लेकिन अब ये आज्ञा दे दी गई है कि बिना पुरुष संरक्षक के महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पुलिस ने स्वचलित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई है? तो महाराष्ट्र पुलिस ने मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली के थ्रू आप एक प्रकार से अपना थंब लगाकर आपके बारे में पुलिस हर चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकती है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे आधार कार्ड हम लेकर जाते हैं एग्ज़ाम में और ओनली थंब इम्प्रेशन करने से हमारे बारे में सारी जानकारी आ जाती है, सेम वही चीज़ इसमें आप फॉलो होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोगा बील किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो गोगा बील जो है बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजे गए बौने तारे और ग्रही प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? तो TOI-270 नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजे गए बौने तारे और ग्रही प्रणाली का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 3 मंथ के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लिंक को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हर वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों जुड़ते जाइए और जोड़ते जाइए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। आप चैनल की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।